नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर के अंदर वैल्यू चेन एनालिसिस को डिस्कस किया था। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आइए समझते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। ये भी आपके कंटेम्प्रेरी इशूज का ही एक टॉपिक है। तो आपका प्राइमरी टॉपिक कंटेम्प्रेरी इशूज चल रहा है, उसके अंदर ये सब टॉपिक्स हैं, आपकी यूनिट 3 को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक व्हिच हेल्प्स इन बेटर एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट्स एक्टिविटीज परफॉर्म एंड रेलिवेंट ओवरहेड कॉस्ट वेयर एज सम ओवरहेड कॉस्ट आर स्टिल डिफिकल्ट टू असाइन सच एज मैनेजर्स सैलरी। तो यहां पर देखो एक इतना पैरा दिया है इन्होंने, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है वो जानते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्ट निकालने की टेक्निक है, कॉस्ट को रिड्यूस करने की टेक्निक है। आप किसका कॉस्ट निकालेंगे, अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करने की एक ऐसी टेक्निक है जो किस चीज में मदद करती है, जो एलोके रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो कॉस्ट हैं, कौन सी कॉस्ट, इनडायरेक्ट या ओवरहेड कॉस्ट, इनको अच्छे से एलोकेट करने में मदद करती है। देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ डायरेक्ट एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। एट द सेम टाइम उसको हेल्प करने के लिए, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट एक्टिविटीज भी होती हैं जिनको इनडायरेक्ट एक्टिविटीज भी कहते हैं। यानी कि वो एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जा रही हैं, बट उनका डायरेक्टली उस प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी क्या करता है, जब हम इस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी एक्टिविटीज डिफाइन कर लेते हैं, कौन सी एक्टिविटीज कहाँ हो रही है, कितने पैसे उसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, तो हम उस एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर जब कॉस्टिंग करते हैं, देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सिंपल भाषा में ये कहा जाता है कि एक्टिविटीज यानी जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों के हिसाब से, जो कार्यों के ऊपर कॉस्ट लग रही है उनके हिसाब से अगर कॉस्टिंग करते हैं ताकि वो कॉस्ट रिड्यूस की जा सके, उस कॉस्ट का एनालिसिस किया जा सके, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। This technique is more useful in manufacturing industries instead of service industry as identifying of activity and traceability of their cost is easy in the former case. अब देखिए ये चीज ना हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर भी करी थी और आप ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे कि यहाँ पर ना चीजें बहुत कॉमन जो है यूज की जाएंगी, शब्दों का जो है या प्रोसेस जो है वो काफी कॉमन रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स किसके हैं, ये सब टॉपिक्स एक इशू के हैं, वो है कंटेम्पररी इशूज, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में तो होती नहीं है, है ना, वहां पर तो वो इनविजिबल सर्विसेज, इनविजिबल गुड्स होते हैं, वहां पर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कंसल्टेंसी हो गई, इस तरह से। बात कहाँ पे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि जहां पर एक फिजिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है, मोबाइल फोन प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्डिंग प्रोड्यूस की जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, वो चीज की बात की जा रही है। तो जहां पर एक फिजिकल टेंजिबल गुड प्रोड्यूस किया जाएगा, सिर्फ वहीं पर ये चीजें जो है अप्लाई करती हैं, क्योंकि बात अल्टीमेटली कहाँ पे है, हमने जो कॉस्ट है अपनी, है ना, उन कॉस्ट को एक्टिविटीज पे लगाना है, और वो एक्टिविटीज कौन सी है, एक प्राइमरी है यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, दूसरी है सपोर्ट एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो बात घूम फिर के कहां जाती है, प्रोडक्शन के ऊपर, और प्रोडक्शन सर्विस इंडस्ट्री में होती नहीं है, तो वहां पर ये चीजें टेक्निक यूज हो नहीं सकती हैं। तो अल्टीमेट इसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, वैल्यू चेन एनालिसिस है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये सारी चीजें आपकी कहाँ यूज की जाती हैं, प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहां पर उत्पादन किया जाता है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वेरियस एरियाज वेयर एबीसी इज यूज्ड आर प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, टारगेट कॉस्टिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। देखिए फिर से वही बात है, वैल्यू चेन के अंदर भी हमने ऐसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया था जहां हमारे प्रोडक्ट की, जिन एक्टिविटीज में हमारी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ये पूरा प्रोसेस कब तक किया जाता था, रॉ मटेरियल के अंदर आने से उसके फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के हाथ में जाने तक, और उसके बाद भी सर्विस तक,
ये सारा प्रोसेस किया जाता था वैल्यू चेन के अंदर। वही सेम फंडा है घुमा फिरा के एक्टिविटी बेस्ड के अंदर भी क्या होता है कि वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की जाती हैं, और एक्टिविटीज आइडेंटिफाई जब आप करते हो तो आपको पता होता है कि आपकी कौन सी एक्टिविटी में कितनी ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रही है, और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से आपके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू कितनी इंक्रीज की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं असेंबलिंग प्रोसेस की बात करूं यानी प्रोडक्शन प्रोसेस की, तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड होती है। क्यों? जब आप इनबाउंड लॉजिस्टिक से रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो इंडिविजुअल बैटरी, इंडिविजुअल कैमरा यूनिट, इंडिविजुअल डिस्प्ले यूनिट, इंडिविजुअल जो उसका कास्ट है उसका तो कोई रेलिवेंस नहीं होता। लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में जब ये सारी चीजें इकट्ठी मिला दी जाती हैं और एक सिंगल मोबाइल फोन बन जाता है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ होती है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। तो ऐसे ही जब हम अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज में ये डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा कॉस्ट इनकर की जा रही है और कौन सी ही जगह पर या एक्टिविटी के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, वो एक्टिविटीज जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें भी ये एबीसी कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखो डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, अब जब हमको ये पता होगा कौन सी जगह कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू ज्यादा है, कौन सी जगह कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज्यादा है, कौन सी जगह कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, और कौन सी जगह कॉस्ट ही कॉस्ट है रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जब हम यूनिट्स को टीयर में डिवाइड कर लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे, तो हमें वो यूनिट जो एक्टिविटी जो है जिसके अंदर कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही है, प्रॉफिट कुछ भी अर्न नहीं हो रहा, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये चीज करनी आसान हो जाती है। तो आई होप आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब समझ में आ गया कि एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर जब हम कॉस्टिंग कॉस्ट एलोकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट पर, कौन सी कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट, तो वो चीज क्या बन जाती है आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर से दोहराता हूं, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इनडायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट उनके ऊपर एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, तो वो उसको कहा जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। आइए अब अगले चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। कुछ डेफिनेशंस दी हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीमा लंदन से, अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है एलोकेट करना, किसको कितनी कॉस्ट जो है बंटवारे करा जाएगा। टू कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज, ऑर्डरिंग, सेटिंग अप, अश्योरिंग क्वालिटी। तो ऐसी कॉस्ट को एलोकेट करना, ऐसी टेक्निक जिसमें कॉस्ट को अलोकेट किया जाता है किसके ऊपर, कॉस्ट यूनिट्स के ऊपर। यूनिट कॉस्ट यूनिट कौन सी होती है, प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट के ऊपर ही तो कॉस्ट लग रही है ना सारी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे डायरेक्टली लगे चाहे इनडायरेक्टली लगे। कॉस्ट किसके ऊपर इनकर की जा रही है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कॉस्ट यूनिट वो चीज हो जाती है। किसके बेसिस पर जो बेनिफिट मिल रहे हैं, किसके किससे, इनडायरेक्ट एक्टिविटीज के ऊपर जो उसके ऊपर लग रही हैं। जैसे एक मोबाइल फोन बनाना है तो मोबाइल फोन के बनाने के लिए इनडायरेक्ट एक्टिविटीज कौन सी हो जाएंगी, उसकी ऑर्डरिंग, सेटिंग अप, अश्योरिंग क्वालिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं इनडायरेक्ट। तो इनकी कॉस्ट जब उसके ऊपर अलोकेट की जाती है, मैंने ऊपर भी बताया था सिर्फ इनडायरेक्ट या ओवरहेड कॉस्ट ही उनके एक्टिविटीज के ऊपर जो है अलोकेट की जाएंगी, कॉस्ट यूनिट्स के ऊपर अलोकेट की जाएंगी जहां पर वो चीज अकर हो रही है, तो वो चीजें यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में की जाती हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू हॉर्नग्रेन, एबीसी इज अ सिस्टम दैट फोकसेस ऑन एक्टिविटीज एज फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स एंड यूटिलाइजेस कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स और कंपाइलिंग द कॉस्ट ऑफ अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो एक बार देखो, एबीसी एक सिस्टम है जो किसके ऊपर फोकस करता है, ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर जो फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट, फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट फिर से कौन सी चीज हो गई, आपकी कॉस्ट यूनिट, यानी कि वो जो मेन प्रोडक्ट आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। एप्पल के लिए फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, आई मैक, मैकबुक्स, आईफोन्स, जो उनकी एप्पल वॉच है, वो सब ये सारे फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके ऊपर प्रोडक्शन का सबसे बड़ा खर्चा, यही तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो सारा खर्चा किनके ऊपर होगा, इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा। एंड यूटिलाइजेस कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन एक्टिविटीज के ऊपर जो अब एक आईफोन, मैकबुक, इन सबको बनाने के ऊपर जो कॉस्ट इनकर की जा रही है उसको एज बेस लिया जाता है क्या क्या अलोकेट करने के लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलोकेट करने के लिए। तो ये चीज आई होप आपको फिर से समझ में आ गई है। हमने बार बार एक चीज पढ़ी है कि सिर्फ इतनी सी कहने का मतलब है कि आपके जो फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जितनी भी इनडायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट अलोकेट की जाएंगी वो चीज कहलाई जाएगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई होप आपको डेफिनेशंस और मीनिंग ये चीज का समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी इसकी, वो क्या है,
एक्टिविटी बेस्ड यानी कि जो आपकी को, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। अब इसका पहला नाम क्या है, एक्टिविटी बेस्ड यानी किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर स्थापित की गई है ये जो टेक्निक है, वो की गई है एक्टिविटीज के ऊपर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाता है, एक्टिविटी बेस्ड, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ भी हम ये चीज पढ़ ले, वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितनी भी टास्क की एक्टिविटीज की जा रही है उनके बेसिस के ऊपर ये कॉस्टिंग की जाती है। तो पहला पॉइंट इसका तो इसके नाम में ही हो गया, कौन सा, एक्टिविटी बेस्ड। दूसरा है कॉस्ट पूल, इट रेफर्स टू दैट पार्ट टू विच ओवरहेड कॉस्ट आर असाइंड। देखिए तो एक पूल क्या होता है, स्विमिंग पूल, जहां पर बहुत सारा पानी होता है, आप उसके अंदर डाइव कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली कॉस्ट पूल क्या होता है, एक ऐसा पूल बना दिया जाता है जहां पर आप सारी कॉस्ट जो है, कौन सी कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही ओवरहेड बोलते हैं, आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह पर डंप कर सकते हैं, वो चीज बोली जाती है कॉस्ट पूल। तो वही कह रहे हैं, इट रेफर्स टू दैट पार्ट टू विच ओवरहेड कॉस्ट आर असाइंड। तो एक ऐसा पार्ट प्रोडक्शन का ही पार्ट है, प्रोडक्शन प्रोसेस का ही एक ऐसा पार्ट या एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर आप अपनी ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या करोगे, अलोकेट करोगे, असाइन करोगे या एट्रीब्यूट करोगे। ये तीनों शब्द एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं, एलोकेशन, एट्रीब्यूशन और असाइंड। तो ये चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर अगर अलग अलग है तो आप अपने हिसाब से जो आपको शब्द याद आ रहा हो वो यहां पर लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू दैट पार्ट टू विच ओवरहेड कॉस्ट आर अलोकेटेड या फिर एट्रीब्यूटेड या फिर असाइंड। उसके बाद है कॉस्ट ड्राइवर, वेरियस कॉस्ट ड्राइवर्स आर यूज्ड अंडर एबीसी मेथड विच डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटीज। तो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कितने घंटे जो है अपना मशीन चली है, कितने लेबर ने काम करा, कितने घंटे लेबर ने काम करा, तो ये सारी चीजें हैं, इनके बेसिस पे क्या किया जाता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, तो इसके बेसिस पे आपके कॉस्ट ड्राइवर्स सेटअप किए जाते हैं। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, फिर आपके जो ओवरहेड है सारी बात किस पे आती है, ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही एलोकेट करना है, असाइन करना है, वही चीजें यहां पर है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वही चीजें पढ़े हैं जो हमने आप डेफिनेशन में पढ़ी गई है कि इसके अंदर किया क्या क्या जाता है। एक्टिविटी बेस्ड है, कॉस्ट पूल बनाए जाते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके बेसिस के ऊपर ओवरहेड्स को एलोकेट किया जाता है, और फिर ये किस लिए किया जाता है, इससे क्या होता है, ट्रेस किया जा सकता है ईच एक्टिविटी को, या उस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इनकर की जा रही है और उस कॉस्ट के कोरस्पॉन्डिंग कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ट्रेस करना क्या होता है, जैसे आपकी पुलिस है वो कॉल रिकॉर्ड ट्रेस करके आपकी लोकेशन पता कर लेती है, तो ट्रेस का मतलब है वो उस तरह से कि आइडेंटिफाई करना या आपको ढूंढ निकालना। तो ट्रेसेबिलिटी यूजिंग एबीसी ट्रेसिंग ऑफ ओवरहेड्स बिकम इजी विच प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा। तो यहां पर किसको ट्रेस किया जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट को या ओवरहेड्स को। ये है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, टोटल कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है नीड्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि नीड्स क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी जरूरत क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वहां पर आप ये चीजें मेंशन करके आएंगे। व्हेन टोटल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि जो आपका टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए 100 रुपए जो है आपकी टोटल कॉस्ट है और उसके अंदर 60 रुपए जो है वो सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो वहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जरूरी हो जाता है कि भाई ऐसे क्या खर्चे हो रहे हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प भी नहीं कर रहे हैं लेकिन इनकर भी किए जा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा भी कर रहे हैं, तो उनको ढूंढा जाए, उनको ट्रेस किया जाए, उनको मिनिमाइज करा जाए। When a company deals in varied product lines requiring different support activities, तो जैसे कहा कि अब जैसे जो है आईफोन है या एप्पल कंपनी है, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है ना, एक प्रोडक्ट तो नहीं बनाती। सिमिलरली सैमसंग है, वो भी अलग प्रोडक्ट बनाती है, सोनी भी अलग प्रोडक्ट बनाती है, टीवीज भी बनाती है, कैमरा भी बनाती है, माइक्स भी बनाती है, लेंसेज भी बनाती है, आपके मोबाइल फोन्स भी बनाती हैं। तो इस तरह जब अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात होती है तो हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो प्राइमरी या सपोर्ट एक्टिविटी है वो एक जैसी नहीं हो सकती। देखिए अब कैमरा बनाने का प्रोसेस अलग है, मोबाइल फोन बनाने का प्रोसेस अलग है ना। तो जब इन दोनों के प्रोसेस अलग है तो इनकी सपोर्ट एक्टिविटीज भी अलग अलग होंगी। वही चीजें हैं जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स आ जाती हैं, तो वहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आसान कर देती है आपका काम, आपके जो कॉस्ट है उनको अलग अलग जगहों पर एलोकेट करने में, असाइन करने में। When product line are different from each other and manufacturing process is complex, तो फिर से ऊपर वाला ही पॉइंट है सिमिलर सा कि प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके हैं, हर प्रोडक्शन जो है प्रोसेस वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। When the factors of production used in manufacturing process और प्रोडक्ट चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू कैपिटल इंटेंसिव। देखिए अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का दौर है
है ना। तो अब क्या होता है, जो काम पहले हाथों से किया जाता था, अब वो काम कौन करता है, जो है कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन्स वगैरह कर लेती हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, तो वो सारी चीजें जो है मशीन के थ्रू किया जाता है। तो जब ये काम मशीन पे किया जाता है, देखो जैसे पहले क्या होता था, गाड़ी कौन मैन्युफैक्चर असेंबल करते थे, ह्यूमन एलिमेंट है ना, ह्यूमन जो है आपस में चार पांच जो वर्कर्स थे वो मिलकर, टेक्नीशियंस वगैरह वो मिलकर गाड़ी को असेंबल करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो कन्वेयर बेल्ट्स का जमाना आया, और उसके साथ साथ कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर रोबोटिक मैकेनिकल हैंड्स का जमाना आ गया। तो अब चीजें क्या है, क्योंकि चीजें देखो भारी भी होती हैं, एक इंजन जो है उसके अंदर बहुत वेट होता है, सिमिलरली एक डोर है उसके अंदर बहुत वेट होता है, फिर शीशे का काम होता है गाड़ी बनाने के अंदर, तो बहुत डेलिकेट चीजें हैं यहाँ पर, और कोई भी गलती का जो है यहाँ पर प्रावधान नहीं देखा जाता, मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पर बहुत कम रखा जाता है। तो मशीन्स जब आएंगी यानी कैपिटल इंटेंसिव, तो वहां पर मार्जिन ऑफ एरर भी रिड्यूस किया जा सकता है, चीजें बहुत अच्छी तरह बिना किसी डैमेज वेस्टेज के की जा सकती हैं, है ना। और वो तो मशीन्स हैं, भारी भारी इक्विपमेंट्स ऐसे उठा कर रख सकती हैं, कहीं पर भी उनसे रखा जा सकता है, कैरी किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर। तो ऐसे में जब आप अपने एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस से अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में बदलाव कर देते हैं, बहुत मेजर बदलाव कर देते हैं, वहां पर भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपके काम आती है। उसके बाद है मैनेजमेंट, व्हेन मैनेजमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम, या जब मैनेजमेंट खुश नहीं है, जो अभी फिलहाल उनका कॉस्टिंग सिस्टम चल रहा है, वो चाहे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम चल रहा हो, चाहे वैल्यू एनालिसिस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो जब अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, या उनसे उनका जो है बात नहीं बन रही, उनको जो रिजल्ट चाहिए वो उन कॉस्टिंग मेथड से नहीं मिल रहे, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड यूज करके देख लेंगे। तो ये क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स की, इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक्टिविटी आप एक्टिविटी दर एक्टिविटी अगर अपनी कॉस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी के अंदर कितनी कॉस्ट लग रही है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो लग भी रही है और कोई प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो रहा है, या कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा उस एक्टिविटी से। तो आप उन नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को क्या करोगे, बंद कर दोगे या उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज किससे की जा सकती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। रियलिस्टिक कॉस्ट डिटरमाइन द रियलिस्टिक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर रेलिवेंट प्रोडक्ट, जो आपकी कॉस्ट है वो एक रियलिस्टिक जो फिगर है वो पता चल जाएगा, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को जो है नोट डाउन करते चल रहे हैं, एक्टिविटीज में इतना लगा, इतना आया, ये हुआ, तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हैं। अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपने यूज करे हैं, वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर, इंडिविजुअल एक्टिविटीज के ऊपर, जो एक एक्टिविटी है मान लो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, तो उसके अंदर भी अपना एक अकाउंटेंट बैठा है, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में मल्टीपल अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह बैठे हैं, फिर उसके बाद जब आपका सेल्स एंड मार्केटिंग आता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आता है, तो वहां पर अकाउंटेंट्स बैठे हैं, फिर इन सबको कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक CFO बैठा है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैठा है। सिमिलरली सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर भी यही सिस्टम चलता है। तो जब आप इंडिविजुअली इतने एक्सपर्ट्स यूज कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज तो होगी होगी, लेकिन जो निकल के आएगी, जो डाटा आपको मिलेगा, वो एकदम रियलिस्टिक होगा, रिलायबल होगा, आप उसको बिना किसी सोच जो विचार के यूज कर सकते हैं। बेटर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अब आपको एक्टिविटी दर एक्टिविटी पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है, छोटे से छोटे एक्टिविटीज का आपको अच्छे से आइडिया है कि कहाँ पर क्या काम चल रहा है, तो आप आसानी से जो है कॉस्ट को अलग अलग जगहों पर एलोकेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग अननेसेसरी कॉस्ट, तो ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि अब देखो रियलिस्टिक कॉस्ट पता चल गई कि कितना खर्चा हो रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट जो है एस्टिमेट कर सकते हैं, उस प्रॉफिट के बेसिस पे आप अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज एस्टिमेट कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में होने वाली अर्निंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सारी फ्यूचर फोरकास्टिंग वगैरह भी आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अननेसेसरी कॉस्ट, कि जो आपकी कॉस्ट है उनको अननेसेसरी जो वेस्ट हो रही है, कहीं पे खर्चा ज्यादा हो रहा है ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट में, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको बेनिफिट्स भी समझ में आ गए। तो अब तक हमने किया मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स या नीड, और हमने फिर करे बेनिफिट्स। आइए अब देखते हैं क्या स्टेप्स होते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम प्रिवेलिंग, तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले कौन सा कॉस्ट का सिस्टम चल रहा है, पहले तो ये देखोगे ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। उसके बाद देखोगे फिर से वो एक्टिविटीज डिटरमाइन करोगे, प्राइमरी कौन सी है, सपोर्ट कौन सी है, फिर देखोगे कॉस्ट पूल, और कॉस्ट पूल के हिसाब से कॉस्ट को असाइन कर दोगे, फिर टोटल आउटपुट देखोगे कि कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की जा रही है, फिर कॉस्ट ड्राइवर्स सूटेबल, फिर मैंने बताया नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, इसके बेसिस पे नंबर ऑफ
जो भी आइडल आवर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये सब क्या होते हैं आपके ड्राइवर्स होते हैं, इनके बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट को डिवाइड करके आउटपुट कितनी आई, कितने वर्कर्स ने कितने घंटे काम करा, ये आपको क्या बता देगा कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल कर आई। उसके बाद है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ड्राइवर रेट। इसके कॉस्ट ड्राइवर रेट की भाई देखो नंबर, मान लो मैंने कॉस्ट ड्राइवर क्या लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, वेज रेट से, है ना। सिंपल सी बात है, इतने आदमी काम करते हैं और पर आदमी इतनी वेज लेता है, मान लो 100 आदमी काम करते हैं, 100 रुपए प्रतिदिन वो जो है वेज लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 30, है ना। तो ये मेरा हिसाब बन के आ जाएगा क्या, कॉस्ट ड्राइवर का रेट, ये डिवाइड कर दूंगा मैं किस, ये बच जाएगा मेरा ओवरहेड रेट। इस रेट के ऊपर मैं जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनको अलोकेट करूंगा किन के ऊपर, अपनी यूनिट्स के ऊपर। देखो टोटल आउटपुट पता चल गई, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 100 लेबर लगी, 100 लेबर लगी, पर लेबर ने लिए 100 रुपए, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो इससे जब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट वो रेट होगा जिसके बेसिस, जिस रेट के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, अपने जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनको उस पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर एलोकेट कर दूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है ये आपका, क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले ये देखो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम चल रहा है, उसके बाद अपनी प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज को डिवाइड डिटरमाइन कर लो, क्लासिफाई कर लो, उसके बाद कॉस्ट पूल कर दो, फिर कॉस्ट असाइन कर दो, फिर टोटल आउटपुट पता करो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, फिर कॉस्ट ड्राइवर एक चूज करो, उस कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकाल लो, कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट आउटपुट निकली मल्टीप्लाइड बाय क्या, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी 1 लाख यूनिट है, 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए लगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी, 10 लाख रुपए। फिर ये आ जाती है आपकी, इस तरह से जो है आपका एबीसी प्रोसेस किया जाता है, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके बाद आप अपने प्रोसेस को रिव्यू कर सकते हैं वो सारी चीजें। कुछ लिमिटेशन है इसकी, वो क्या है, कॉस्टली है। आप देखिए मैंने बताया ना आपको, हर इंडिविजुअल एक्टिविटी के ऊपर एक एक्सपर्ट बिठाना पड़ेगा, अकाउंटेंट बिठाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरी कंपनी है, देखो एप्पल है, उसके 4 प्रोडक्ट्स हैं मान लो, ठीक है, आईफोन है, मैकबुक है, आई मैक सॉरी एप्पल वॉच है और ईयरपोड्स है, ये 4 प्रोडक्ट्स मान लो। अब इन 4 प्रोडक्ट्स की अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस है, एक तरह तो नहीं बनते ये, मैकबुक लैपटॉप्स हैं वो लैपटॉप यूनिट में प्रोडक्शन लाइन में बनेंगे, आईफोन्स मोबाइल प्रोडक्शन लाइन में बनेंगे, जो आपके एप्पल वॉच है वो घड़ी के प्रोडक्शन लाइन में बनेंगे, ईयरपोड्स आपके आपके साउंड टेस्टिंग वाले उसमें बनेंगे प्रोडक्शन लाइन के अंदर, इन सब का प्रोडक्शन प्रोसेस अलग, हर प्रोडक्शन प्रोसेस की प्राइमरी एक्टिविटी अलग, सपोर्ट एक्टिविटी अलग। अब आप देखो चार, ये 4 प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट की प्राइमरी एक्टिविटी अलग, सपोर्ट एक्टिविटी अलग, सिमिलरली हर प्रोडक्ट ही ऐसे ऐसे अलग। तो आप इंडिविजुअल के अगर अगर आप ऐसे एक्सपर्ट्स बिठाने लगोगे तो आपको ओवरऑल जो कॉस्ट है वो ऑफकोर्स जो है बहुत हैवी हो जाएंगी, वही कह रहे हैं कॉस्टली, कॉस्टली मेथड है। लार्ज बिजनेस के लिए तो ठीक है, स्मॉल बिजनेस जो है अफोर्ड नहीं कर सकती इस चीज को। कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली बहुत, देखो इंडिविजुअल एक्टिविटीज डिटरमाइन करना, बोलना काम आसान है कि भाई मैंने ये कर दिया इंडिविजुअल एक्टिविटी, या मेरा प्रोडक्ट यहाँ 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 पहुंचा है, इंडिविजुअल जो है अपनी क्या बोलते हैं उसको एक्टिविटीज की मैं कॉस्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज जब करने वाला होता है ना, जो अकाउंटेंट बैठा होता है वहां पे करने के लिए, तो उसको पता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स काम है, तो वो चीज यहाँ पर बताई है। एबीसी सीम्स टू बी अ कॉम्प्लेक्स टेक्निक विच रिक्वायर सफिशियंट टाइम मनी एंड एक्सपर्ट नॉलेज। उसके बाद है डिफिकल्टी इन ओवरहेड एलोकेशन। अब देखो बोलने में आ जाएगा, अब प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है, अभी इसका पर्पस क्या था, ओवरहेड एलोकेशन करवाना आसानी से, लेकिन जब ये प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है तो ओवरहेड एलोकेशन के टाइम तक तो आदमी वैसे ही खत्म हो जाता है, उसका सारा मोरली डाउन हो जाता है, इतना टाइम दे रहा है, इतने वर्किंग आवर्स लगा रहा है, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, और कहीं ना कहीं जो मार्जिन ऑफ एरर है ना वो आ जाता है, कहीं ना कहीं गलतियां जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये अपने आप में जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस बन जाता है। फिर आ जाता है अनट्रेसेबल कॉस्ट। अब कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जिनको आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते कि यार कॉस्ट इनकर तो हुई है, ये पैसा गया तो है, क्योंकि बात यहां पर ना एक घर परिवार की है, एक छोटे दुकान वगैरह की नहीं हो रही, बहुत बड़े बिजनेस की हो रही है, एप्पल वगैरह जैसी कंपनी, उसके अंदर छोटी मोटी ना कॉस्ट ऐसी इनकर हो जाती हैं जिनका जो है पता नहीं चलता कि किधर किधर चली गई हैं ये कॉस्ट। तो वही चीजें कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर, कोई ना कोई गलती गड़बड़ जरूर हो जाती है, हम डिफाइन ही नहीं कर पाते, डिटरमाइन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कॉस्ट जो है वो किधर से ओरिजिनेट हुई है, किधर गई है, क्यों इनकर की गई है, वो चीजें यहां पर आ जाती है। तो आपका ये है फिर से जो है आपका ये डिफरेंस है एक छोटा सा, ये देख लेते हैं एबीसी और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर फोकस किसका है। ट्रेडिशनल में मैनेजिंग कॉस्ट और डिपार्टमेंट्स को, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट है उनको मैनेज करना है, और एक्टिविटी में क्या है, प्रोसेस इंडिविजुअल एक्टिविटी को मैनेज करना है। देखो
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में पूरे डिपार्टमेंट को देखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक डिपार्टमेंट है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में प्रोडक्शन में भी तो कई एक्टिविटी होती है ना। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन के अंदर? ज्वाइनिंग, असेंबलिंग, मोल्ड, स्मोल्डरिंग, मोल्डिंग, ये सारी एक्टिविटीज किस में आती है? प्रोडक्शन में। अब एक प्रोडक्शन के अंदर, एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं, उसकी कॉस्ट करूं, यहां पर मैं प्रोडक्शन के अंदर भी 10 तरह की एक्टिविटीज डिफाइन कर रहा हूं, उसमें भी प्राइमरी कौन सी है, सपोर्ट कौन सी है, ये देख रहा हूं। तो ये फोकस रहता है किसका? एबीसी का। उसके बाद है पर्पस इफेक्टिव, पर्पस इज सच एज प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड प्राइस आर नॉट इफेक्टिवली सर्व्ड। अब ट्रेडिशनल देखिए, ये जो नई कंटेम्परेरी आपके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये सारी चीजें जो है ना, ये बनाई इसलिए गई थी ताकि वो जो इश्यूज है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के, उनको सॉल्व किया जा सके। तो वही पॉइंट है कि पर्पस जो था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में वो सर्व नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके अंदर जो है वो इफेक्टिवली सर्व करा जा रहा है। कॉस्ट असाइनमेंट है, ओवरहेड कॉस्ट आर फर्स्ट एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट एंड देन टू प्रोडक्ट। तो पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट डिपार्टमेंट पे एलोकेट होती थी, फिर डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लगाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली एक्टिविटीज के ऊपर वो कॉस्ट एलोकेट की जाएगी, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स के ऊपर कर देंगे। देखिए हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट पूल बनाया जाएगा, उसके बाद कॉस्ट, तो वो चीजें। उसके बाद क्या है, लिमिटेड है इसके जो कॉस्ट पूल्स हैं वो लिमिटेड है, इसके अंदर मेनी होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल बहुत सारी एक्टिविटीज डिवाइड की जा सकती हैं। आप कितनी एक्टिविटीज बना लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जितनी एक्टिविटीज बनाओगे उस हर एक्टिविटी के अंदर आपको कॉस्ट पूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्टिविटी के ऊपर क्या हो रहा है, कॉस्ट इनकर की जा रही है। कॉस्ट इनकर करने का मतलब क्या होता है कि वहां पर कॉस्ट एलोकेट करी जा सकती है, वही चीज है यहाँ पर। तो वॉल्यूम बेस्ड रेट इज, तो इस तरह से आपका ये बन जाता है डिफरेंस। तो आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हो चुकी हैं। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहाँ यूज की, कहाँ सुटेबल थी, लेबर इंटेंसिव में। एबीसी कहाँ सुटेबल है, लेबर इंटेंसिव में, सॉरी कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि जहां पर मैनुअल काम ज्यादा होता है, मैनुअल लेबर जहां ज्यादा लगती है, जहां पे असली इंसान जो है अपने हाथों से काम कर रहे हैं, वहां पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ज्यादा यूज होगी। जहां पर जो है आपकी कन्वेयर बेल्ट वगैरह ये ज्यादा यूज हो रही है, यानी कैपिटल इंटेंसिव, वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस या कॉस्टिंग। तो ये आपका हो जाता है आज का चैप्टर पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। हमारे यूनिट 3 के जो है 2 टॉपिक्स अब पूरे हो चुके हैं, वैल्यू चेन और एक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके। इसके बाद जो आएंगे उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये 2 टॉपिक्स जो है वो सबसे ज्यादा रेलिवेंस रखते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में, आप रिवाइज करते रहिए, आप जो है आप सब्सक्राइब लाइक भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलती रहती है मेरे को उन चीजों से, ताकि मैं ये कंटेंट आपके लिए रेगुलरली पोस्ट करता रहूं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।